पैदल चलकर और ट्रकों के माध्यम से अन्य राज्यों से रायपुर आ रहे प्रवासी मजदूरों को वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन द्वारा चरण पादुका और पका हुआ भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। वे पिछले 15 दिनों से प्रवासी मजदूरों की देखभाल कर रहे हैं, जिसमें सुबह से लेकर देर रात तक लगभग 5,000 मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है। सेवा का ये कार्य जिला प्रशासन के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसमें हम लोग किसी प्रवासियों को खाना भी देते हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिसको नीड रहती है राशन की, वो सूखा राशन यहाँ प्रोवाइड करते हैं। सुबह से 7 बजे चल रहे हैं और रात के 10-11 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम चलता है। हम लोग तो पिछले 24 मार्च से लगातार राशन का भी कर रहे हैं, दवाओं का भी कर रहे हैं, पानी का कर रहे हैं, बिस्किट का कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हम खिचड़ी भी एक हम अच्छी तरीके से बना करके और उसके साथ चाय की व्यवस्था करके जो प्रवासी आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग शहरों के बीच में थे, शहर के आसपास के जो लोग थे वो कार्य भी चालू है, बट अभी जो प्रवासी लोग आ रहे हैं वो काफी तकलीफ में हैं और उनको हम लोग अभी सेवाएं दे रहे हैं। कवर्धा जिले में मजदूरों के पैदल